35 साल पुराने रोड रेज मामले में सजा काटने के बाद जेल से बाहर आए पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू गुरुवार को नई दिल्ली में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मिले। इस दौरान सिद्धू ने कहा कि उन्हें जेल में डाला जा सकता है, डराया धमकाया जा सकता है, लेकिन वो पंजाब और पार्टी नेताओं को लेकर अपने संकल्पों से पीछे कभी नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीर भी ट्विटर पर शेयर की। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, आज नई दिल्ली में अपने गुरु राहुल जी और मित्र और मार्गदर्शक प्रियंका जी से मिला। आप मुझे जेल में डाल सकते हैं, मुझे डरा सकते हैं, मेरे सभी वित्तीय खातों को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन पंजाब और मेरे नेताओं के लिए मेरी प्रतिबद्धता न तो झुकेगी और न ही एक इंच पीछे हटेगी। रिहाई के दौरान राहुल गांधी को क्रांति बताने के बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी को मेंटोर बताया है, तो वही दूसरी तरफ प्रियंका गांधी को मार्गदर्शक बताया है। वहीं पहले जेल से रिहा होने के बाद सिद्धू ने कहा था, पंजाब इस देश की ढाल है, इस ढाल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश चल रही है, देश में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, अगर आप पंजाब को कमजोर करने की कोशिश करेंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी हाल ही में लोकसभा सांसद के रूप में सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इस बारे में बात करते हुए जेल से रिहा होने के बाद सिद्धू ने कहा था, वायनाड के पूर्व सांसद सरकार को हिला देंगे, इस देश में जब भी कोई तानाशाही आई है एक क्रांति भी आई है और इस बार उस क्रांति का नाम राहुल गांधी है, वो सरकार को हिला देंगे। खैर आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 1988 के रोड रेज केस में एक साल की कैद की सजा सुनाई थी। करीब 10 महीने जेल में बिताने के बाद सिद्धू रिहा हो गए। दरअसल मामला ये था कि 27 दिसंबर 1988 की शाम सिद्धू अपने दोस्त रुपिंदर सिंह सिद्धू के साथ पटियाला के शेरवाले गेट की मार्केट में पहुंचे। इस मार्केट में कार पार्किंग को लेकर उनके गुरनाम सिंह से कहासुनी हो गई, लेकिन बात हाथापाई तक जा पहुंची। सिद्धू ने गुरनाम सिंह को घुटना मारकर गिरा दिया, जिसके बाद गुरनाम को अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट में आया कि गुरनाम सिंह की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। उसी दिन सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर पर कोतवाली थाने में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ। हालांकि दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर सामने आने के बाद कई तरह के अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ कुछ लोगों का कहना है कि ये तस्वीर आने वाले वक्त में कई बड़े बदलाव करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कई नेता इस तस्वीर पर अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। बाकी आपकी इस तस्वीर पर क्या राय है और आपको क्या लगता है कि क्या ये तस्वीर सच में आने वाले वक्त में कोई बड़े बदलाव कर सकती है? जो भी आपके व्यूज है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।